नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पच्छाद में जंगली फल खाने से चबियोक स्कूल के 13 बच्चे बीमार, आईजीएमसी रेफर। कंडाघाट में बस चलाते ड्राइवर को पड़ा दौरा, आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल, हमीरपुर में भी टक्कर। भाजपा कार्य समिति ने पारित किया राजनीतिक प्रस्ताव, केंद्र और राज्य सरकार के काम सराहे। मंडी में युवा कांग्रेस ने निकाली महंगाई की बारात, केंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। और हिमाचल के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी बनेंगे ऊना के जीवन शर्मा, 25 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर, जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल। शानदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक, बेहतरीन क्लासरूम के साथ 25 साल का अटूट विश्वास। यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्थ्य और निजी कंपनियों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। 100% रिजल्ट और बोर्ड परीक्षाओं में हर बार मेरिट में स्थान। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सुनहरे कल का सपना देख रहे हैं तो देर किस बात की, चले आइए प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी में। इसके अलावा SOS का प्रवेश भी आरम्भ हो गया है, तो आज ही पंजीकरण करवाएं। हमारा स्टडी सेंटर नंबर है 424 और सेंटर कोड है 2315। अब समाचार विस्तार से। जंगली फल खाने से पच्छाद में 13 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें सोलन अस्पताल में भर्ती किया गया। गंभीर हालत होने पर उन्हें IGMC रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को चबियोक स्कूल के बच्चों ने स्कूल की छुट्टी के बाद बेर समझकर जंगली फल खा लिए। इस पर एकाएक सभी बच्चे बीमार हो गए। पहले तो परिजनों ने घरेलू उपचार किया, लेकिन जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उन्हें सोलन अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद करीब 1 बजे रात को सराहा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक सिरमौर रोहित मालपानी ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोलन के कालका शिमला रूट पर कंडा घाट में एक निजी बस चला रहे ड्राइवर को दौरा पड़ गया। इस दौरान अनियंत्रित हुई बस सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए कंडाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। उधर हमीरपुर के लंबलू जाहू रोड पर भी परिवहन निगम की बस और कार में आमने सामने टक्कर हो गई। हालांकि इस टक्कर में किसी को चोटें नहीं आई हैं। दोनों ही हादसों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा कार्य समिति ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए गुरुवार को राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा गया। कार्य समिति में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी ने मंथन किया और संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि प्रस्ताव में केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कुशल विदेश नीति बनाई और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास किए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। प्रस्ताव में केंद्र और हिमाचल सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं की सराहना की गई। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार को अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर में महंगाई की बारात निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवा अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए तक पहुंचने वाली हैं और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश युवा उपाध्यक्ष शेखर सेठी, मंडी लोकसभा के अध्यक्ष विक्रमादित्य, मंडी लोकसभा उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रदेश महासचिव अजय मोदगिल, सचिव गोविंद शर्मा, विजय महाजन समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मंडी में श्रम संगठन सीटू के बैनर तले शहर के रेड़ी फड़ी धारकों ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन किया।
रेड़ी फड़ी वालों ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रेड़ी फड़ी धारकों ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ बैठक कर उन्हें मांग पत्र भी सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में टाउन वेंडिंग कमेटी के जल्द गठन पर सहमति बनी है। इसके बारे में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बैठक रखी गई है और सभी रेड़ी फड़ी वालों को एक महीने के अंदर पहचान पत्र व लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। उधर हमीरपुर शहर में नगर परिषद ने गुरुवार को माल रोड से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने कई रेहड़ियों को जब्त किया, जबकि प्रशासन की कार्रवाई से सहमे कुछ लोग अपना सामान व रेहड़ियां लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। नगर परिषद ईओ विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। गगरेट पुलिस ने बिना वैध कागजात तस्करी कर पंजाब ले जा रहे बिरोजा के 108 टिन वाहन समेत जब्त किए हैं। हालांकि अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन चालक भागने में सफल रहा। मंगलवार रात गगरेट पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अमरीक सिंह की अगुवाई में शिवपाड़ी अम्बोटा रोड पर नाका लगा रखा था। टीम ने एक पिकअप को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने का प्रयास करने लगा और जब कामयाब नहीं हुआ तो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पिकअप में बिरोजा के टिन क्रेट के नीचे छिपाए हुए थे। पिछली रात गगरेट पुलिस ने शिवबाड़ी के पास नाका लगाया हुआ था, तो नाके में एक बुलेरो पिकअप जो पंजाब नंबर की थी उसको रोका और रुकने पे चेक किया तो उसमें 103 बिरोजी के पाए गए और जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। और जो प्रोविजन है कानून के मुताबिक विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जो आरोपी था पंजाब का रहने वाला था वो मौके का फायदा उठाकर अंधेरे का फरार हो गया, जिसकी तलाश चल रही है। वहीं सब इंस्पेक्टर अमरीक सिंह ने बताया तो तीनों को चेक किया तो उसमें बिरोजा था, तो बिरोजा फिर हमने उसको गाड़ी को खाली करवाया तो और गिनती करवाई तो 108 के करीब जो टीन लोहा के जो 16 किलो पर केजी भरा था एक एक में, तो फिर हमने उसको मक्की कार्रवाई करी वहाँ मौका पे और उसके बाद हम थाने में ले आए उसको, तो फिर इसके खिलाफ हमने मुकदमा 41-42 फॉरेस्ट एक्ट 379 IPC में मुकदमा रजिस्टर किया है। आनी की ब्यूंगल पंचायत के रमोही में खेत में घास काटने जा रही 60 वर्षीय महिला को भालू ने अचानक हमला कर जख्मी कर दिया। विद्या देवी को CHC दलाश में प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 11 बजे विद्या देवी अपने बेटे के साथ खेत की ओर घास काटने जा रही थी, इसी बीच भालू ने उस पर हमला बोल दिया। भालू के झपटते ही पास में खड़े महिला के फौजी बेटे बबलेश ने भालू को पिछली टांगों से पकड़कर मां को भालू के पंजे से छुड़ा लिया, लेकिन महिला को कई खरोचे आई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कई भालू घूम रहे हैं, उन्होंने विभाग से इन भालुओं को पकड़ने की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश में विदाई से पहले मॉनसून फिर से कहर बरपाएगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्वानुमान के तहत समूचे राज्य में 22 से 24 सितंबर तक फिर से भारी बारिश होगी। वहीं प्रदेश में गुरुवार दोपहर से ही मौसम में करवट आंकी गई। राजधानी शिमला में तो दोपहर बाद व शाम के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आज देवा के दीदार दिव्य हिमाचल मुख्यालय में सजे दरबार से। पूरे प्रदेश में जहां गणपति उत्सव की धूम रही, वहीं प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल मुख्यालय में भी ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यहां 12 सितंबर को मुख्यालय में स्थापित श्री गणेश जी की प्रतिमा की पूरे 9 दिन पूजा अर्चना की गई। आज गुरुवार को दिव्य हिमाचल के प्रधान संपादक अनिल सोनी के साथ सभी स्टाफ सदस्यों ने मांझी खड्ड में प्रतिमा का विधिवत विसर्जन कर दिया। इन 9 दिनों तक पूरे परिसर में रौनक लगी रही, पूरे संस्थान में गणपति बप्पा मोरिया गूंजता रहा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।
अब समाचार खेल जगत से। बंगलुरु में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप मुकाबले में हिमाचल ने रेलवे को 33 रन से हराया। प्रदेश टीम के लिए कप्तान प्रशांत चोपड़ा ने 77 और निखिल गांगटा ने 50 रन की उपयोगी पारियां खेली। वहीं मयंक डागर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकाले और जीत में अहम भूमिका निभाई। हिमाचल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और रेलवे को 187 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए 41.3 ओवर में 5 विकेट पर 170 रन बना लिए थे कि बारिश से मैच रुक गया। फिर विजेडी मेथड से मैच का फैसला हुआ और हिमाचली क्रिकेट टीम को 33 रन से विजेता घोषित किया गया। जूडो खेल के लिए समर्पित ऊना के कोच जीवन शर्मा हिमाचल के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी बनने जा रहे हैं। दिल्ली में 25 सितंबर को राष्ट्रपति उन्हें देश में प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार द्रोणाचार्य से सम्मानित करेंगे। जीवन शर्मा ऊना जिला के पुलिया पुरोहिता गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 1983 में जूडो खेल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बतौर प्रशिक्षक का सफर शुरू किया। अपने प्रशिक्षक के सफर में उन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी तैयार किए। उनके सिखाए हुए कई खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ जैसी बड़ी खेलों में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जीवन शर्मा ने इंडिया जूडो टीम के साथ भी लंबे अरसे तक बतौर प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दी हैं। 2 साल पहले उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ जूडो कोच के पद से सेवानिवृत्ति ली। मौजूदा समय में जीवन शर्मा कर्नाटक की प्रतिष्ठित जूडो एकेडमी में हुनर तराश रहे हैं। और अब चलते चलते पौंटा साहिब में 400 नशीले कैप्सूल के साथ युवक गिरफ्तार। वायु शोधन पौधे लगाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्कॉच शिखर सम्मेलन में मिले 2 पुरस्कार। HPTU ने यूरोपियन पर्यटन विश्वविद्यालय इटली के साथ किया MOU साइन, शोध कार्यक्रमों पर रहेगा जोर। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में दूध और शहद देने की तैयारी, हिमाचल ने केंद्र से मांगा बजट। आइए सुनते हैं मिस्टर डेविड की आवाज में ये कुल्लवी भजन। ओ शिवरा प्यारा तू हो, ओ शिवरा प्यारा तू, पार्वती हमारा दुलारा, ओ देव कार्तिक स्वामी ओ हमारा, देव कार्तिक स्वामी ओ हमारा, ओ खगनल न थाने हो, ओ खगनल न आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।